नमस्कार, ग्लिप्स इनसाइट में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रविंद्र साठे जी हमारे साथ है। बहुत अच्छे विषयों पे वो काम कर रहे हैं देशव्यापी। उनके विषय क्या है, उनका संगठन क्या है, इसके बारे में उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। राम भाऊ महालगी प्रबोधनी के बारे में सबसे पहले मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक तो यह संस्था जो है ये रामभाव महालगी प्रबोधिनी एक एकेडमी है, वो मुंबई स्थित काम करती है, पूरे देश भर में काम करती है। इसका मूल उद्देश्य है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या राजनीति में काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता संवर्धन, यदि अंग्रेजी में हम कहेंगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उनके क्षमता संवर्धन के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेती है। अच्छा। यानी ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर मंत्रियों तक ये वर्कशॉप कर दिया। अच्छा, अच्छा। यानी पूरे साउथ एशिया में जी। एकमात्र संस्थान जिस संस्थान द्वारा राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ये कैसे कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कि इस तरह का प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए, क्योंकि वाकई में उनको जरूरत होती है। कई बार नए नवेले आ रहे होते हैं जनप्रतिनिधि, बहुत ज्यादा वो जानते नहीं कि उनको करना क्या है, उनके उनके खुद के अधिकारों के बारे में भी कई बार वो जागृत नहीं होते। तो आपके मन में कैसे आया कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका प्रारंभ सन 1982 में हुआ। इसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, आपने नाम सुना होगा, तो उनकी ये मूल संकल्पना थी कि राजनीति में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा से जुड़ा हो, लेकिन राजनीति में जो काम करने वाला है उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व करता है। तो ये मूल संकल्पना उनकी थी, लेकिन वो चल बसे। और उसके बाद रामभाव महालगी एक महाराष्ट्र के सांसद थे, उन्होंने ये कल्पना अपने, वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे, उस समय भारतीय जनसंघ का काम करते थे, तो उन्होंने ये कल्पना आगे ली और अनौपचारिक रूप से पार्टी में उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग शुरू किया था। और उन्होंने भी अपने सहयोगियों के साथ एक संकल्प किया था कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर रहूंगा और मैं ऐसी संस्था की निर्माण करूंगा एकेडमी की कि जो पूरे राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे। लेकिन वो भी कैंसर से दुर्भाग्यवश चल बसे। तो 1982 में हमारे विचारधारा के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा है और उनके स्मृति में ये संस्थान की स्थापना हुई और तब से लेकर आज लगभग 35-36 साल हम ये काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये पूरे देश में आप लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। मैं तो आपको, मुझे आनंद होगा कहने में कि सभी पार्टियों के विचार, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए हम काम करते हैं। हम एक विशिष्ट विचारधारा से जुड़े हुए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो राजनीति में लोग काम करते हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हो, उनको उनके अधिकारों के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में एहसास दिलाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सही कहा कि ग्राम कोई भी सदस्य चुनकर आता है जनप्रतिनिधि, उसको बहुत बार मालूम नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है। इसके लिए उसके जो फंक्शनल ट्रेनिंग है और एक्चुअल उसका जो ट्रेनिंग है, जो सभागार में उसका परफॉर्मेंस कैसा हो, इसके और उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट कैसी हो, यानी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हैंडल करना, भाषण अच्छा कैसे देना, ये वैसे सेक्युलर विषय और उनके उनका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण भी इस बहाने हो जाता है। तो हमारे पास बहुत ऐसे कार्यक्रम के मॉड्यूल्स तैयार है और कुछ कार्यक्रम हम उस संस्था की या उस पार्टी की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार दोनों बैठकर हम ये कार्यक्रम करते हैं। और मैं खास करके कार्यक्रम आपको बताऊंगा दो कार्यक्रम के बारे में जो एक अनूठा है। वैसे सभी कार्यक्रम लेते हैं जनप्रतिनिधियों के लिए या MLAs है, MPs उनके लिए, लेकिन MLAs या MPs के जो पर्सनल असिस्टेंट्स है, जो निजी सहायक है, उनके लिए भी हम एक दो दिन का हमने कोर्स, हमने मॉड्यूल तैयार किया और उसमें सब पार्टी के लोग आते हैं, यानी ये कोई नहीं करता है। बहुत बार कोई भी जनप्रतिनिधि रहता है या सांसद या विधायक रहता है, तो उसकी छवि जो रहती है, उसकी छवि उसका पर्सनल असिस्टेंट कैसा है उसके ऊपर निर्भर रहती है, एक दूसरे से वो आईना है जी, हाँ जी, हाँ। तो वो जैसे व्यवहार करता है, वो जैसे बर्ताव करता है, उसके ऊपर वो उसकी छवि बनती है। उसके लिए हमने एक कार्यक्रम तैयार किया। दूसरा कार्यक्रम अभी हमने इस साल प्रारंभ किया, उस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। पूरे देश भर से 32 चुनिंदा लोग आए, इसमें आए युवा जो है जो राजनीति में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमने 9 महीने का एक कोर्स विकसित किया है। यानी 9 महीना हमारे कैंपस में मुंबई में वो रहेंगे और इनको 2 महीना पॉलिटिक्स के बारे में, 2 महीना गवर्नेंस के बारे में, 2 महीना लीडरशिप के बारे में, ये सब हम बताएंगे। फील्ड में जाकर उनको कुछ ट्रेनिंग भी देंगे और पूरा कोर्स होने के पश्चात
एक इंटर्नशिप भी 1 महीने की होगी। अच्छा, तो राजनीति में लोग आना चाहते हैं ये हमारे। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अपने आप में इनोवेटिव, बहुत अनूठा है, और मुझे तो विश्व में एकमात्र संस्था ऐसी होगी कि राजनीति में अगर आपको आना है तो बकायदा प्रशिक्षण लीजिए, बिल्कुल व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए और अनुभव भी लीजिए, इंटर्नशिप भी आप करा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा प्रकल्प, इतना और बड़ा ये कोर्स के बारे में खास करके बताऊंगा कि जब ये कोर्स का हमने ऐलान किया तब देश भर से करीबन 500 युवा ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन हमने हमने उनको 40 लोगों को हमें लेना था, तो हमने बताया जो इसमें सम्मिलित होना चाहता है कृपया आप लिख के दीजिए हमें कि आप क्यों आना चाहते आपको क्यों आना चाहते हैं, लिख के दे कहने के बाद तो आधे उसमें से छट गए। तो 100 लोगों ने इसमें से और रुचि दिखाई और हमें लिख के दिया। 100 में से हमने 60 लोगों के इंटरव्यू के लिए बुलाया, पर्सनल इंटरव्यू लिया, और उसमें से 14 राज्यों से 32 लोग, 32 युवा कार्यकर्ता पूरे देश भर से आज आए और वो कोर्स अभी शुरू है। ये बहुत सुन के इतना अद्भुत लग रहा है, और इसकी कल्पना जब आप लोगों ने की होगी तो अपने आप में एक बहुत अकल्पनीय चीज है ये, और ये आप लोग ले आए धरातल पे। बिल्कुल। एक और अच्छी चीज पे आप काम कर रहे हैं रविंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है ये बताइए। ये ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है जी, वो लाल किले के ऊपर से हर 15 अगस्त को एक नया नया विषय लोगों के सामने रखते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा स्टार्टअप इंडिया का विषय था, आधुनिक CSR का विषय था, गुड गवर्नेंस का विषय था, स्वच्छ भारत का विषय था, तो ऐसे मूवमेंट लोगों में एक जन जागृति के लिए, देश के विकास के लिए जो बोलते, वही एक थीम लेकर, वही विषय पकड़कर हम एक गत 5-6 साल से एक नेशनल कन्वेंशन करते, जो मोदी जी विषय सबके सामने सम्मुख रखते, उस विषय को लेकर हम एक चर्चा करते। तो इस बार उन्होंने एक विषय रखा था कि एक हमारा देश है तो एक देश में एक इलेक्शन होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, यानी पूरा जो हमारा वर्ष है वो वर्ष में खाली इलेक्शन की मालिका ही चलती रहती है। तो उन्होंने कल्पना सबके सामने रखी कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्यों नहीं हम कर सकते, इसमें सारे ज्यादा लाभ हमें हो सकते हैं। तो ये विषय लेकर हम आने वाले 20 और 21 जनवरी 2018 में ये एक नेशनल सेमिनार ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ये हम कर रहे हैं। जी जी, और कहीं ना कहीं एक जनमानस भी तैयार होने की आप कोशिश करेंगे, लोग कम से कम चर्चा तो करें, तभी वो समझ पाएंगे कि आखिर ये जरूरत इसकी देश को क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कि इलेक्शन के बहाने, अब चाहे वो विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, या दूसरे तरह के तमाम तरह के नगरीय निकाय के होते हैं, मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, श्रम भी लगता है, धन भी लगता है, और कहीं ना कहीं जनता के पैसे जो टैक्स के रूप में आ रहे थे वही उस पर खर्च हो रहा होता है, और हर इलेक्शन में सुरक्षा करनी ये भी अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि आप उतनी सुरक्षा प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि देश में इस तरह की विविधता है कि कहीं नक्सलवाद भी है, कहीं उग्रवाद भी है, और कई जगह नदी नाले पहाड़ है, और बहुत रिमोट एरियाज में भी इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो ये निश्चित है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, हमें पता है कि कई चरणों में इलेक्शन यहाँ कराने पड़ते हैं चुनाव आयोग को, क्योंकि बस्तर जैसे इलाके यहाँ पर, राजनांदगांव भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, जो गढ़चिरौली का इलाका, इन इलाकों में बड़ा मुश्किल हो जाता है इलेक्शन कराना, तो ये बहुत अच्छे एक है। तो इसमें जो इनवाइट किया लोगों को आपने, तो किस तरह के लोग इसमें आएंगे आपके? नहीं, ऐसा है कि ये तो हमने सोशल मीडिया के ऊपर हमने उसका अभी ऐलान किया है, और हमारे साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको तो हम पत्रकार परिषद लेकर हम करने वाले, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस विषय में रुचि रखने वाले जो एकेडमिशियंस है उनको हम बुलाएंगे, और इस विषय में जिनको पेपर प्रेजेंट करना है वो पेपर भी प्रेजेंट करने के लिए हमें अपील करने वाले, ऐसे 4-5 मुद्दों के ऊपर ये पूरा सेमिनार हम करने वाले हैं। एक तो इसके नुकसान क्या है, यानी एक साथ हम करते नहीं, आज जो मल्टीप्लिसिटी है इलेक्शन की, तो हैजार्ड्स जिसे कहेंगे, तो मल्टीपल इलेक्शन के नाते आज जो भी हमारे नुकसान हो रहा है उसके बारे में एक विषय होगा, बाद में वन इलेक्शन वन नेशन, ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन ये विषय रखने के लाभ क्या हो सकते हैं इसकी भी एक चर्चा होगी, विदेश में ऐसे कुछ प्रयोग चल रहे हैं उसकी एक चर्चा होगी, और आपने सही कहा कि जैसे लोकसभा विधानसभा और छोटे स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय लोकल इलेक्शन लोकल बॉडी, वो भी यदि साथ में रखते हैं उसका क्या लाभ होगा, तो इसी तरह की चर्चा बाद में, ये आर्थिक जो उसका विषय है, बाद में सुरक्षा कर्मियों का विषय, और भी इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स जो है इस संदर्भ में, ये से 5-6 मुद्दे लेकर हम ये करने वाले। तो इस विषय में जो रुचि रखना चाहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन हमने रखा है, तो लोग उसमें एप्लीकेशन करें, अपने पेपर भेजे। हाँ, मतलब कुल मिलाकर वो लोग आए जो रुचि रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो थोड़ी समझ रखते हैं, और जो सोच रहे हैं वाकई में, केवल भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, क्वालिटी लोग आए, और उसपे एक ठोस कोई आपका रिजल्ट आपको मिले। एक और अच्छा विषय जिसपे आप काम कर रहे हैं रविंद्र जी, की निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्त्री की क्या भूमिका हो, उसपे कुछ आप लोगों ने पहले भी किया है, और एक पूरे देश में मुझे लगता है एक आंदोलन सा मुझे नजर आ रहा है, धीरे धीरे लोग कम से कम उस विषय पे बात कर रहे हैं,
तो ये इतने महत्वपूर्ण विषय को आप ले आए चर्चा के केंद्र में, ये कैसे मन में आया कि स्त्रियों को ये सब फालतू के जुमले हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला समानता, पश्चात थोपे गए हमारे ऊपर, ये हमारी अवधारणाएं बन गई जो पश्चिम से आई और हमने बिना सोचे समझे ग्रहण भी कर लिया उसको, और उसका आज का जो स्वरूप है वो डिजास्टर है, मतलब वो बहुत अलग ही दिशा में चला गया, विध्वंसक दिशा में। लेकिन असल जो मुद्दा था कि महिला कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रहे और रही है हिंदुस्तान में, अगर हम पीछे देखें तो माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है घरों में, इसको वापिस आप ले आए, ये कैसे सोचा आप लोग? एक तो ये अपने भारत सरकार ने अभी ये जो कार्यक्रम किया पूरा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी जो थी, तो उस निमित्त हमने कार्यक्रम किया। हमें भी ऐसा लगा कि देश की आज लोकसभा की अध्यक्ष हमारी सुमित्रा जी, देश की रक्षा मंत्री हमारी, ये अपने आप में रक्षा मंत्री जी बना दिया महिला को, तो ये तो एक मुझे लगता बहस का विषय हो गया था, और ये इतना अच्छा लगा लोगों को, और मुझे लगता है स्वीकार करें ना करें सभी तरह के लोगों ने उसको दिल खोल के उस चीज का स्वागत किया, क्योंकि ये कल्पना करना कि महिला भी रक्षा मंत्री हो सकती है, कोई महिला मंत्री, ये अभी तक आदरणीय सुषमा जी है देश की विदेश मंत्री है, तो ये अलग अलग स्थान पर ऊंचे स्थान पर महिलाएं पहुंचे हुए, लेकिन आज समाज में हम वास्तव देखेंगे तो महिलाओं के बारे में लोगों का देखने, खास करके पुरुष वर्ग का एक देखने का रवैया ये आज भी बिल्कुल बदला है, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, बहुत ही हमारे नित्य जीवन में हम उसका अनुभव करते हैं कि कोई भी आज पति पत्नी या कोई भी लड़का लड़की समझो जाते हैं होटल में, तो होटल में हम जाने के बाद जब बिल देने का सवाल आता है तो बिल वो पुरुष के सामने ही वो वेटर रखता है, तो ये मानसिकता है। दूसरा एक उदाहरण और एक है, हम हैंड ये अपना रुमाल बोलते हैं, अपना रुमाल इस्तेमाल करते हैं, स्त्रियों का रुमाल रहता है वो आकार में लाल, पुरुषों का बड़ा, ये क्या चीज है भाई, दोनों रोते हैं, दोनों को पसीना आता है, तो रुमाल में क्यों है भेदभाव? बहुत अच्छा उदाहरण आपने लगाया, ये समाज की मानसिकता, तो हमें ऐसा लगा कि ये महिलाओं के बारे में ये चर्चा हो, महिला एक महिला नेतृत्व की हम बात करते हैं तो महिलाओं नेतृत्व तक पहुंचने के बाद क्या असर होता है समाज का, उसकी तरफ देखने का, वो एम्पावर हुई है क्या असल में? ये आज इतने साल 70 साल हमें देश के स्वाधीनता तो हो गए, लेकिन फिर भी आज महिलाओं की स्थिति क्या है, तो इसके लिए हमें लगा कि एक उसका चिंतन हो, मंथन हो, इसके लिए चार मुद्दों के ऊपर हमने वो मंथन किया था। पुणे में कार्यक्रम हुआ था आपके, छत्तीसगढ़ की शताब्दी पांडे जी वो भी उसमें आई थी, तो हमने चार विषय लेकर ये कार्यक्रम किया, एक परिवार और स्त्री, बाद में समाज जीवन और स्त्री, तीसरा विषय था सामाजिक संस्था भी आज काम कर रहे हैं उस और स्त्री महिला, और चौथा विषय था राजनीति और स्त्री। ऐसे चार मुद्दों को लेकर हमने पूरे 2 दिन का ये परिसंवाद परिचर्चा की, और उसमें अलग अलग वक्ता देश भर के आए थे, करीबन 9 राज्यों 14 राज्यों से प्रतिनिधि आए थे, 157 प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए थे, और अर्चना चिटनिस जी जो मध्य प्रदेश की मंत्री है उन्होंने उसका समापन किया। तो ये अच्छा बहुत रहा, नए उदाहरण नए अनुभवों का प्रस्तुतिकरण ये हुआ, और उसका जो निचोड़ आया जिसको कहेंगे हम, एक रिपोर्ट हमने तैयार किया वो भी हम सरकार को भेजने वाले। तो ऐसे महिलाओं में जागरण होना चाहिए, खाली महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये तो पुरुष वर्ग का, पुरुष वर्ग की मानसिकता बदलने की आज जरूरत है, ऐसा हमें लगा, इसके लिए हमने कार्यक्रम किया। नहीं, बहुत इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं रविंद्र जी, इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सारे विषय हैं जो महत्वपूर्ण विषय हैं, कहीं ना कहीं देश की तरक्की में यही विषय नींव का काम करेंगे, कर भी रहे हैं, और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके जो होने वाले प्रोग्राम के लिए भी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगी जब कभी दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं आपसे फिर चर्चा करूं और दर्शकों तक ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि समाज के मंथन और चिंतन का विषय है। आपने तो शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये जब तक अंतिम तक का इस पे विचार नहीं करेगा तब तक वो परिणाम नहीं आ पाएंगे जो आप चाह रहे हैं करना और मेहनत कर रहे हैं जिसके लिए, तो मुझे लगता है दर्शक हमारे इसको सुनेंगे तो बहुत कुछ विचार मंथन उनका शुरू होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सारे दर्शक को भी। जी जी, तो दोस्तों अभी रविंद्र साठे जी को आपने सुना, अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी ग्लिप्स इनसाइट में, और किसी नए व्यक्तित्व से आपका परिचय कराएंगे। नमस्कार। फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज कीप वॉचिंग छत्तीसगढ़'s फर्स्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल एंड पोर्टल क्लिप्स.इन।